हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आरओ के जो इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं उनकी वायरिंग किस प्रकार से की जाए। मैंने इस वीडियो में दो सेक्शन बना रखे हैं फ्रेंड, एक एसी सेक्शन और एक डीसी सेक्शन। तो कौन से हमारे एसी पार्ट होते हैं, कौन से डीसी पार्ट हैं, इसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, हम स्टार्टिंग करेंगे एसी पार्ट से। फ्रेंड, आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा एक एलपीएस होता है और एक फ्लोट स्विच होता है। एलपीएस जो होता है पानी के लेवल जब लो हो जाता है उसके बेस पे काम करता है। फ्लोट स्विच होता है हमारा जब टैंक हमारा फुल हो जाता है उसके बेस पे काम करता है। फ्रेंड, इन दोनों को ही हम एसी सप्लाई देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैं चाहे तो इन दोनों को एक ही तरफ करके वायरिंग कर सकता हूँ, लेकिन आपको वीडियो में आसानी से समझ आए इसलिए मैंने इनको दोनों तरफ लगा रखा है। तो यहाँ से हमारी एसी सप्लाई आती है, हम दो जैसे कि दो वायर होती हैं फेस और न्यूट्रल के, हम दोनों को ही कट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो एक तरफ से हम इसको जोड़ लेंगे दो वायर, और एक तरफ से इसको जोड़ लेंगे दो तरफ के वायर। याद रखें फ्रेंड कि हमें बीच वाला पॉइंट है इसमें हम कनेक्ट नहीं करेंगे एलपीएस में और ना ही फ्लोट स्विच में, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे एसएमपीएस की तरफ। एसएमपीएस से गुजरने के बाद जो हमारा एसएमपीएस का आउटपुट होता है फ्रेंड, वो हमारा डीसी आउटपुट होता है। तो हमारे डीसी कंपोनेंट कौन से हैं फ्रेंड? डीसी में पहला हमारा ये होता है एसबी, और उसके बाद हमारे जो मोटर होती है ये भी डीसी ही सप्लाई पे काम करती है आरओ के अंदर। तो फ्रेंड, जैसा कि जहाँ पे भी डीसी होती है वहाँ पे एक हमें इंडिकेशन ज़रूर से मिलता है कि हमें किस प्रकार से मतलब उसकी वायरिंग करनी है। तो हमें ध्यान रखना है एसबी हो चाहे मोटर हो, जो इनकी लाल वायर होगी उसको हम लाल वायर से ही कनेक्ट करेंगे, और बाकी जो दूसरी वायर होगी उसे हम कनेक्ट कर देंगे। तो वो जो हमारी होगी वो न्यूट्रल की होगी जो दूसरी वायर होगी, और जो लाल होती है वो फेस की होती है। तो इस प्रकार से हम वायरिंग करेंगे फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई खास इसमें ज़्यादा मतलब समझने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और उतने में आपका परफेक्ट वायरिंग होगी एकदम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको मेरे से ऐसा ही मतलब वीडियो की आप उम्मीद रखते हैं कि मैं इस प्रकार की वीडियो बनाऊँ, तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे भी इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड।